music. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका में ये नया कंस्ट्रक्शन जो घर होते हैं वो देखने आए हम लोग। तो किस तरीके से घर बनते हैं नए वाले वो मैं आपको दिखाने की थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो इस तरीके से घर बन रहा है नया वाला। चलो अंदर जाके देखते हैं। और बाजू में फिर ये जो बन रहा है ना पूरा लकड़ी से बनता है ये घर। चेक देखो यहाँ पे जैसा रूम है और अंदर से यहाँ से दूसरा रूम है ये और छोटा सा क्लोजेट है और यहाँ पे भी एक क्लोजेट और अच्छा बाथरूम में लाइट तो नहीं होगी क्योंकि अभी बन रहा है ये। और ये हॉल है, हॉल अच्छा है। देखो इस तरीके से बनता है, पूरा लकड़े से ही बनाते हैं लोग। ऐसे है पूरा। इसके पीछे पता नहीं कितनी जगह होगी इस रूम की, तो नो पता, नो आइडिया कितनी होगी इसकी। ये बैकयार्ड बनेगा इतना, ये वाला इतना, हाँ इतना सा बैकयार्ड बन जाएगा ये यहाँ तक। नमीर घर देख रहा है, गमीर घर लेना है देखो। ये हमारे घर से 20 मिनट की ड्राइव है। फिर यहाँ नीचे ये हॉल है, सबसे बड़ा हॉल। और हॉल के साथ साथ इसमें मास्टर बेडरूम होगा। ये गैराज है, ये गाड़ी पार्किंग के लिए जो गैराज बोलते हो, गैराज है यहाँ पे। और ये वाला मास्टर बेडरूम है, अच्छा खासा बड़ी जगह है। और इसका बाथरूम बहुत बड़ा होता है ऐसा सुना है मैंने। इसका वो इतना बड़ा नहीं है, है क्लोजेट बहुत बड़ा है ना। क्लोजेट देख अगर बहुत बड़ा क्लोजेट है, दिखेगा नहीं, अंधेरा है, यहाँ पे लाइट भी नहीं है। और मेरे फोन में भी फ्लैश लाइट मैंने ऑन नहीं की है। गैरेज के बाद आपको दिखे तो ये है ऊपर सेकंड स्टोरी। यहाँ पे इंडिया में सेकंड फ्लोर बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं दो स्टोरी वाला घर। ये सब घर के मेंबर है, घर खरीदने वाले लोग हैं। घर कब लेंगे वो पता नहीं। ये देखो ऊपर से, यहाँ पे भी एक हॉल है, लिविंग रूम है ये। अच्छा ये भी बड़ा सा घर है। यहाँ से आपको, ये मेरी गाड़ी खड़ी है नीचे, यहाँ से सारा व्यू है इसका। और सीढ़ी के साथ साथ चलते चलते आपको मिलेगा यहाँ पे पहला वाला बेडरूम। ये छोटा सा बेडरूम है और यहाँ से भी वही सेम व्यू है जो अपनी गाड़ी खड़ी है। फिर आपको यहाँ पे मिलता है छोटा सा क्लोजेट। ये तो बामू चालू होते ही खत्म हो गया है ना नमीर। फिर ये क्या है नमीर? ये बाथरूम है, बाथरूम एरिक। एरिक क्या होता है? वो ऊपर स्टोरेज के लिए है सब। ये बाथरूम बड़ा है। एक दूसरा बेडरूम है यहाँ पे। तो ये हो गया, क्लोजेट बहुत छोटा है इसका। ये यहाँ से ये इस काइंड का रूफ नया है। मैं ये जंप कर सकता? नो। तो भाई क्लोजेट की साइज बहुत छोटी है। और इस तरीके से ये घर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको बनाते कैसे है ना इन लोग। लकड़ी से पूरा ये घर पूरा लकड़ी से बना होता है। इसके बाद इसमें वही सब सीमेंट वगैरह सब लगता है। इसका मतलब है ऊपर दो बेडरूम है, एक हॉल है, यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम है और एक बेडरूम, मतलब चार बेडरूम का घर है। लेकिन अपने देसी लोग क्या करते हैं, ये ऑफिस को भी बेडरूम बना देते हैं, तो पांच बेडरूम का घर है ये। देखो ये ना लकड़ी के बीच में फोम डाल के बनाते हैं इनको। अब ये है सिंगल स्टोरी,
यह हमने जो देखा वो टू स्टोरेज है और टू स्टोरी बोलते हैं यहाँ पे। ये है यहाँ पे सिंगल स्टोरी वाला घर। ये सारे नया कंस्ट्रक्शन अभी बन रहा है, ये देखो है ना, सारे नए घर है, ये ब्रांड न्यू घर है। इसका रेट भी मुझे इतना नहीं पता लेकिन बताता हूँ मैं आपको अभी। ये गैराज है, बच्चे लोग खड़े हो वाला, लेकिन ये इसकी एंट्री है, यहाँ पे से एंट्री है। तो चलो एंट्री से जाते हैं अपन। ये भी सिंगल स्टोरी बता रहा, तो ये है एंट्री इसकी 10। चलो नमीर दिखाएगा। नमीर यहाँ से जैसे अंदर आते हो, ये सिंगल स्टोरी घर है, वो डबल स्टोरी था। ये बेडरूम अच्छा है, मतलब ठीक है, लेकिन यार इसके मुझे क्लोजेट बहुत छोटा है। या दैट्स अ वेरी स्मॉल क्लोजेट। तो इसके साथ में मिलता है आपको बाथरूम। बाथरूम यहाँ मैंने थोड़ी फ्लैश लाइट चालू की है मेरे फोन की, तो ये है बाथरूम। ये बड़ा बाथरूम है, तो इसके साथ आगे चलते हैं। तो ये क्लोजेट है, वो ठीक है, छोटा सा क्लोजेट है, स्टोरेज एरिया। ये दूसरा बेडरूम है नीचे ही, किसों के बेडरूम, छोटे छोटे बेडरूम है, कोई बड़ा बेडरूम नहीं है ये। ये सिंगल स्टोरी, जगह बड़ी दिखती है इसकी। फिर यहाँ से आ जाओ, ये साइड पे आओ। वाह, ये गैराज है जो बाहर से बता रहा था मैं आपको, ये गैराज है। गैराज के साथ अंदर आपको ये बाथरूम है, ठीक बाथरूम है, छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं। ये एक बेडरूम है, मीडियम साइज के बेडरूम है, और ये है छोटा सा क्लोजेट। फिर आपको यहाँ पे क्या है, ये लॉन्ड्री रूम है जहाँ पे आप वॉशर ड्रायर सब रख सकते हो, ये लॉन्ड्री रूम है। फिर ये इसका हॉल बहुत बड़ा होगा, फोर बेडरूम का घर है ये, देखो इसका हॉल बड़ा है। ये किचन एरिया भी अच्छा है इसका, हाई सीलिंग घर नहीं है ये, सीलिंग ओके ओके है। ये मास्टर बेडरूम है, ये अच्छा बड़ा खासा बेडरूम है, बहुत बड़ा बेडरूम है ये। तो फिर इस तरफ से यहाँ पे होगा इसका, ये बाथरूम है, ये स्टोरेज है, ये वॉकिंग शावर है प्रिंस, ये वॉकिंग शावर है ना मेरे। इधर क्या है, रेस्टरूम आएगा इधर। हाँ ये है इसका क्लोजेट, बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा क्लोजेट है यहाँ पे। तो ये सिंगल स्टोरी भी चार बेडरूम का घर है, और इसकी लेकिन स्पेस बड़ी लगती है। ये डाइनिंग एरिया आपका, यहाँ पे डाइनिंग एरिया बन जाता है। फिर बार वही सेम है आपका, छोटा सा पार्टी है, और यहाँ पे आपका बैकयार्ड बन जाता है ये। तो चलो मैं अभी आपको ले चलता हूँ जहाँ पे है ना लकड़ी से घर कैसे बनते हैं वो देखते हैं अपन। तो ये देखो, ये है ना सारे घर, बहुत ही अच्छे घर बने हुए हैं। एरिया थोड़ा सा बाहर की साइड पर है, लेकिन इतना भी बाहर नहीं, मेरे घर से 20 मिनट की ड्राइव है। तो मैं आपको दिखाऊँ ये जो घर बन रहा है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ कि कैसे बनाते हैं लोग घर, क्योंकि हमें इंडिया में ना बहुत से बार क्यूरी होती है ना कि यार लकड़े पे कैसे घर बनते हैं इसके, सिर्फ लकड़े पे घर कैसे बनते हैं, लकड़े पे घर कैसे बनते हैं। तो ऐसे बनते हैं, देखो ये घर। चलो प्रिंस बताएगा घर, प्रिंस ये घर बन रहा है बताओ। लोग बोलते हैं ना अपने इंडिया पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि ये लकड़े से कैसे घर बनता है, तो ये देखो ये है ना ये गैराज है, लेकिन इसको ये जो है ना इसको पहले क्या बोलते हैं, इसको फाउंडेशन बहुत ही मजबूत बनाते हैं लोग, इसके ऊपर फिर इस तरीके से ये देखो ये, और ये लकड़ा सालों तक सड़ता नहीं है, ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड पहले सालों तक नहीं सड़ता। ये देखो इसको है ना, यहाँ से ये वाटरप्रूफ नट्स मारे हुए हैं सारे, तो देख लो भाई ये देखो, बड़े बड़े लकड़ों से इस तरीके से घर बनते है इसके। ये देखो ना यहाँ से देखो अंदर भी, अब हमें पता है कि भाई अंदर पानी का ये वगैरह सब, देखो ये लकड़े के अंदर ही फिट हो जाता है पर, ये देखो है ना सारे पाइप को इस तरीके से कवर भी करते हैं लोग इस तरीके से। तो ये देखो इस तरीके से लकड़ों के घर होते भाई यहाँ पे, और ये जब बन जाएगा ना तो आपको लकड़ा कहाँ पे फील ही नहीं होगा,
है ना, पूरा ऐसा लगता है सीमेंट के घर बन गया। देखो इसके अंदर पूरा है ना, इसमें पाइप वगैरह सब डाल के रखे हुए, ये देखो है ना, ये जमीन में से अंदर से आता हुआ पाइप, ये सब पानी के लिए। फिर आपका जो वापस पानी जाता है गटर के अंदर वो है, फिर ये जो प्रेशर से पानी आता है ना वो इसके लिए ही है। और ये सारे के सारे इसके अंदर लाइट्स की फिटिंग अभी मुझे लगता है बाकी है, बाकी है लाइट्स की फिटिंग बाकी है। ये देखो है ना घर, ये ऊपर सारे लॉन्ड्री का पाइप देखे हुए, देखो वो रहा लॉन्ड्री का, ये रहा इधर भी है, ये सारे जगह पे दिए हुए है। पता नहीं ये बाथरूम है, ये लॉन्ड्री रूम नहीं, ये बाथरूम है, ये रेस्ट रूम है, यहाँ पे कमोट आएगा वो, और ये वॉकिंग शावर है, फिर ये यहाँ पे वॉश बेसन वगैरह सब आएगा ना, ये पानी है आने के लिए, एक पानी जाने के लिए, वो नीचे वाला ये गर्म पानी, ओके ये गर्म पानी का है और ये ठंडा पानी का है, ये पहले से ही बिल्ट किया हुआ था इन लोग, ये पहले से ही बिल्ट कर देते। और इसकी पाइप की क्वालिटी इतनी होती अच्छी होती है कि ये रूम वाले 10 साल की तो गारंटी खुद देते, लेकिन ये घर की टोटल मिला के ना 80-90 साल के लिए ये मजबूत होते हैं घर। ये देखो इस तरीके से बनते हैं भाई घर। भाई भाई ये ना अब ऊपर देखो ये प्लाई लगाई है ना, इसके ऊपर फिर सीमेंट कॉन्क्रीट करेंगे इन लोग। ये देखो है ना ये सारी खिल्ली है, ये सब खिल्लियां यूज होती है, इसको जंग नहीं लगती है। हाँ इस तरीके से एक रूम हो गया, बहुत ये भी 3-4 बेडरूम के घर होंगे वो यूज करते हैं। हाँ वो पूरा वही लगा देते हैं देखो पूरा। अब ये देखो ये मशीन लगा देती है पूरे, ये सब लकड़े यूज हो रहा है। अब देखो ये इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा बन रहा है, ठीक है ना, ऐसा ये लकड़े के साथ है। अब मैं इसका बना बनाया हुआ सैंपल दिखा दूं आपको। अब ये देखो ये बन गया, ये लकड़े के ऊपर आपको पूरी ऐसा लगता है कि ये ब्रिक से बना हुआ, ईंटों से बना हुआ घर है। इस तरीके से इसको बिल्ड कर देते हैं। देखो मैं आपको चालू कार में दिखा देता हूँ। देखो ये है ना ये सारे नए घर बन रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये सारे नया कंस्ट्रक्शन है घर का। लेकिन ये नए घर में ना एरिया छोटा कर देते हैं ना, और बेडरूम के राहिल ये देखो है ना सारे नए कंस्ट्रक्शन है ये कोई बन गए है, कोई सॉल्ड है, कोई रेडी है। ये देखो ये ना सारा बहुत ही खूबसूरत लगते हैं घर, ऐसा नहीं है। यस ये देखा ना ये सब, तो ये थोड़ा कैसा ना सिटी से थोड़ा दूर होते हैं ये घर, मतलब इतने भी दूर नहीं है, इधर से हाईवे 59 फ्रीवे बहुत नजदीक है। ये सारे घर है तो ये वाला घर रेडी है, ये इनके जो वेंडर है वो दिखाने आए किसी एक फैमिली को, तो हम लोग भी देख लेते मोटे। ये देखो ये यहाँ रहने आ गया हमारा अपार्टमेंट छोड़ के, ये वाला है ना, कैसा लग रहा देखो। ये देखो ये रेडी घर है, तो अब जब मैंने दिखाया तो वो बन रहा था, अब ये इसको देख लो, ये बेडरूम है, इसमें देखो ये बन चुका है घर, मस्त वेल फर्निश्ड घर है। सो इसमें लाइट भी है, तो ये बाथरूम है, या 10 तो एसी वगैरह सब काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक वगैरह सब। ये रेडी घर है देखो ना, ये यहाँ पे क्लोजेट है, ये ये हॉल है बड़ा। यस ये देखो भाई ये घर है, बड़ा सा हॉल है, मस्त हॉल बड़ा है इसका। ये किचन एरिया रेडी है देख लो, यहाँ पे फ्रिज आ जाएगा, और ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं है गैस सिस्टम है। ये आपका डाइनिंग एरिया हो गया बाहर इसके,
जब वो देखा था तो उस पर अब बंद था, तो ये पैटियो है और ये देख लो पूरा बैकयार्ड रेडी बना हुआ है। जो आगे मैंने दिखाया वो नहीं बना हुआ था, इसमें ग्रास इन्होंने उगा दिया। अच्छा सा बैकयार्ड, बड़ा है, इतना छोटा भी नहीं है। और ये नमीर भाई के लिए खेलने की जगह है, ये जगह दिखाना रह गया था कि वो लोग देख रहे थे। तो ये हो गया वॉशर ड्रायर का एरिया, लॉन्ड्री। फिर इसके साथ साथ में ये बाथरूम है, बेडरूम। ये भी एक, मतलब इतना छोटा भी नहीं है, इतना बड़ा भी नहीं है, मीडियम है। फिर यहाँ पे मुझे लगता है छोटा सा क्लोज, अच्छा ये गैराज है इनका। फिर हॉल के साथ साथ ना आपको ये मास्टर बेडरूम मिलता है। इसका सीलिंग की थोड़ी स्टाइल डिफरेंट है, ये भी अच्छा लग रहा है। ये देखा, ये है ना इसका, ये वॉकिंग शावर है ये, और क्लोजेट बहुत बड़ा होगा ये। ओ यार, क्लोजेट बहुत ही, हमारे जो तो नहीं तू राखी ले बुद्धि, हमें चड्डी बन गया तेरी परसों। देखा है ना, यहाँ पे एक और ये, हाँ बधू चालू झगड़ा। ये रेडी होम है तो इसमें पानी भी चालू हो गया। ये रेडी होम है, अगर आप आज खरीद लो तो कल इधर रहने आ सकते हो, ऐसा रेडी घर है। तो इस तरीके से लाइट बंद कर दे बेटा। तो मैं इसको थोड़ा बाहर से ले जाऊं, तो इसमें एक बेडरूम यहाँ पे हो गया, एक बेडरूम यहाँ हो गया, पीछे बेडरूम वो हो गया। और जैसे बाहर निकले हम तो ये बाहर से इसका लुक कुछ ऐसा है। ये देख लो भाई, ये स्ट्रीट है, अभी तो बन रहा है सारे घर, बहुत ही बड़ी स्ट्रीट बन जाएगी ये थोड़े टाइम में। ये बाहर से इसका लुक इस तरीके से है पूरा। साइडों में जो आप खाली जगह देख रहे हो ना, ये वाली सारी, तो सारे बिल्ट करेंगे अब ये। अब है ना हम लोग आ गए दूसरी प्रॉपर्टी में, तो वहाँ से घूम फिर के फिर इधर आ गए। तो देखते हैं, एक मॉडर्न होम बनाया हुआ है, मॉडल होम बोलते हैं ना इसको, ये मॉडल होम बनाया हुआ, तो इसको देखते हैं और आपको भी अमेरिका के घर दिखाते हैं। टेस्ला, बहुत अच्छा वेदर है इधर। अब ये कंपनी ने बनाया घर हुआ है, इसके नाम है। चेक दिस वन, हेलो। तो ये देखो, ये ब्रेडी, ये मॉडल होम है बनाया हुआ। तो चलो, ये वेल फर्निश्ड है। अब देखो, ये पहला बेडरूम है, पहला बेडरूम इस तरीके से, छोटा सा बेड इन लोग ने, ये बना के रखते हैं ऐसा। मॉडल रूम है ये, मॉडल घर है, देखो ना इस तरीके से। ये देखो, ये एक बाथरूम है, ये इन लोग सजा के रखते हैं कस्टमर को दिखाने के लिए। देखो ये सजा के रखा है पूरा। और इसके साथ दूसरा बेडरूम है, यहाँ से दूसरा बेडरूम है ये देखो, है ना। तो ये देखो, इन लोग ये सजा के रखते हैं ऐसा, देखो ना। तो लोगों को पसंद आया ना, अभी इसको ऐसा तो बना के रखेंगे तो ही लोग लेंगे ना भाई। ये देखो, छोटे छोटे दो बेडरूम है, ये यहाँ पे एक बेडरूम हो गया, बेडरूम हो गया। फिर आप जैसे अंदर आओगे तो यहाँ पे एक बाथरूम है, ये भी बड़ा बाथरूम है। यहाँ पे क्या है, अच्छा है तो इनकी ऑफिस आ गई। फिर यहाँ पे ये है आपका लॉन्ड्री एरिया है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा बेडरूम है, अच्छा ये बॉक्स रूम जैसा बेडरूम है छोटा सा, ये देखो, है ना। और इसके साथ छोटा सा, फिर आपको
आगे ले चलता हूँ मैं, हमें बाजू में तो यहाँ से ये है ना, ये ऑफिस है, एक छोटा सा वर्क एरिया है, आप आपका काम कर सकते हो घर पे रह के भी, वर्क एरिया ये इन्होंने बोला, डाइनिंग एरिया ये, ये देखो ये डाइनिंग एरिया है इसका, और ये किचन है पूरा, ये किचन टेबल है, और इस तरीके से ये पूरा, और ये लिविंग एरिया है जिसको हॉल बोलते हैं। यहाँ पे कुछ इन्होंने सिर्फ ऐसा बना के रखा है, ऊपर घड़ी भी रखी हुई है, घड़ी नहीं है वो टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, हाँ 70 डिग्रीज अप देयर, और इसके साथ भी ये मास्टर बेडरूम है शायद, हाँ ये मास्टर बेडरूम है, ये देखो ये मास्टर बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम है इनके, हीज एंड हर दो वॉश, फिर ये वॉकिंग शावर है, ये चीजें रखने के लिए, ये रेस्ट रूम, और ये क्लोजेट देख लो भाई, ये क्लोजेट है पूरा, यहाँ से निकलते फिर मैं आपको दिखाता हूँ बैकयार्ड, ये है बैकयार्ड, ये देखो ये पैटियो है, और ये इसका पूरा, ये देखो है ना ये पूरा यहाँ पे, ये इसका बैकयार्ड है, लेकिन ये दो घर का एक बैकयार्ड है, इसके लिए बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये बीच में एक दीवार आ जाएगी यहाँ पे, ये डबल स्टोरी घर मॉडल बना है, ये सिंगल स्टोरी जो आपने देखा हो, घर के पीछे में आ गया, ये पीछे का बैकयार्ड का सीन है, तो भाई ये इसका बैकयार्ड है बहुत बड़ा, ये मॉडल होम बना के रखा है इन्होंने, एक सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी, तो ये आपके लिए मैंने एक छोटी सी एक वीडियो बनाई है कि भाई आप भी देखो कि यहाँ पे घर कैसे बिल्ड होता है और बनने के बाद उसका लुक कैसा होता है, तो ऐसे घर होते हैं यहाँ पे अमेरिका में लकड़े से बने हुए, लेकिन बहुत खूबसूरत बनाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मिलेंगे चलो कोई नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, बाय बाय। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।